नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हम आपके लिए लाते रहेंगे सुपर हिट नई नई धमाकेदार वीडियो। आप लोग जिस दर्शन होगा आप साथ कोई धन्य हमारे भाग्य कैसे ये मानत मानत माने घटे और प्रीत घटे नित आए से और ओछे की संगत बुद्ध घटे भैया रोष घटे मन को समझाया से और क्या मेरे भैया ये भैया से भैया बड़े भैया से मान नहीं और भैया को मिलवो कठिन है तुम देखो करके गौर ये नारियल नापो काट दे पर पुरुष नहीं कट बाजे और भाई भाई सब मिलर चले पर दूत नहीं चलवा दे ये कुल फूट होया छो नहीं तो ये फूट में लूट बाप भिक्षण फूटो जबीत वालंका गई थी टूट सुनाता हूँ ए बस में की बात श्री विष्णु जिन मतो उपायो और केलासन से क्षीर सागर से चले चतुर्भुज केलासन में आयो कैसे केलासन में जार यार वा शंकर से बतलावे और जब देखो जब तू मोड़िया धोना पे तप तो पावे तपी वे भंग रहे वे निसंग कोई खेल तुझे नहीं भावे और केलासन में विष्णु जी शंकर को न्यो समझावे के आठ में चोनी खेल आ रहा है बस खेलना सही है और एक घड़ी दो घड़ी मनोरंजन कर ले नौ सही है तो देखो सुनना विष्णु और शंकर दोनों के बीच में एक आठ मचौनी का छोटा सा दृष्टांत है कथा तो सारे लोग जान है जो शंकर भगवान से कहता है कि स्वामी आप हमेशा भस्मी लगाए हुए धुना पे विराजमान कैलाश पर्वत पर रहते हो कुछ खेल नहीं खेलते शंकर भगवान कहता है कि बताओ कौन सा खेल है विष्णु कहता है कि राग मचौनी का खेल अति सुंदर है उसको खेलना चाहिए तो देखो सुन लो दोनों में शर्त हो जाती है खेल शुरू हो जाता है शंकर भगवान अपने नैन बंद करता है विष्णु भगवान छिप जाता है लेकिन विष्णु भगवान अपने असली रूप में नहीं छिपता है सजनों अपने धी का त्यागन करके दूसरे रूप में आ जाता है और एक साधारण बच्चे के रूप में जो भी 6 महीना का और वो भी कहां जाके बैठ जाता है कि बियाबान जंगल में एक आम रास्ता के पास में एक झाड़ियों का झुरमुट था उस रास्ते से लोग आया जाया करते थे तो देखो किस तरीका से ये खेल चालू होता है सुनो कैसे होता है वे 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 कर महाना काहे के मेरे कारे मते तेरी भैया आदे दे दे कर महाना काहे के मेरे कारे मते तेरे कैसे Oh,
छोटी का प्रसंग किस तरीका से आ जाता है कि एक सेठ का लड़का अपने ससुराल से घरवाली को लेकर के अपने घर जा रहा था, उसी रास्ते में आगे चल के विष्णु भगवान बच्चे के रूप में दाढ़ी की घरमट में बैठा हुआ था। तो देखो सुनना, वो सेठ अपनी घरवाली को अपने घर ले जाता है और जाता जाता सजना वो दाढ़ी के घरमट के पास में पहुंच जाता है। तो देखो आगे क्या लीला होती है सजना, क्या होते हैं भैया। और और ऐसा मौका देख करके विष्णु भगवान रोना चालू कर देता है। सेठ और सेठानी मन में विचार करते हैं कि ये बियाबान जंगल में पक्षी तक की आवाज नहीं है, फिर बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है। वो इधर उधर को देखते हैं सजना, और जाली के झुरमट में 6 महीने का बच्चा मिल जाता है। उसको देख के घबरा जाते हैं और किस तरीका से बातचीत करते हैं सजना, कैसे करते हैं भैया। हार दोनों रह गए है कोई भगते।
गांव में लोग लगाई सल्ला, अरे गोरी भूरी उठे लटूरी पड़े बगल में छल्ला, मुंह भरी सी बीस आंगली जीव कमल को फूल, नार तू देख जरा कर गौर, है कोई तो लाल गेल में पड़ी गजब की मोहर, छोरा देख जीव नहीं छूटे डोला भारी छाती टूटे, अरे है कोई बगड़ी रांड फेंक दे या को दसोदी में और राम कर सको फैले या को दुहदी में, शैतानी से इस बात को कहता है तो शैतानी धीरे धीरे पीछे खिसकती है और सेठ कहता है कि शैतानी बच्चे को गोदी में ले ले। इतनी बात को सुनते ही शैतानी कहती है कि प्राणनाथ मैं पहली बार ससुराल में जा रही हूँ और सारा संसार इसको देख के बकलेला बताएगा तू ये क्या कह रहा है। तो देखो सुषमा विष्णु भगवान की माया सेठ ऐसा भरवा जाता है शैतानी से, कहता है प्राण प्यारी अगर तू ये बच्चे को नहीं उठाएगी मेरी बात को नहीं मानेगी तो तू वापस तेरे पीर में जा सकती है, मैं तुझे ससुराल में नहीं ले लूंगा। शैतानी घबरा जाती है कि हे भगवान इधर करूँ तो कुहार इधर करूँ तो खाई अब क्या मेरे बीच बीच में मुश्किल आई। तो सेठ शैतानी से क्या कहता है क्या कहता है विशाल आदे दे दे कोई को छोटो सोना ताला लागे लो में फिरे कैसे दे दे कोई को छोटो सोना ताला लागे लो में फिरे कैसे वो से दानी वो जाको और गोदी में उठाते ही विष्णु भगवान जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। और जो छह महीना का बच्चा अरे ये माँ और बाप समझ करके उनको मन में विचार करते हैं कि ये रोता है तो कोई पे नहीं देखा जाता, शैतानी घबरा जाती है सेठ भी घबरा जाता है और क्या लीला होती है सुनो क्या होती है मेरे भैया अरे गोदी ले कर मन के रोवे भूतो मारे के जावे बैठ गई शैतानी घबरा जाती है बच्चे को गोदी में लेकर बैठ जाती है और सेठ से कहती है कि हे प्राणनाथ तेने ये गोदी में उठा लिया बच्चा रोने से नहीं रुकता है अब इसको मैं क्या पिलाऊं मेरे पास में तो दूध भी नहीं है और ये कुछ खा नहीं सकता तू जा और दिया बांध नगर में कहीं से पानी लेके आ और मैं मेरी आंचलों को धो करके और मेरी आंचलों को इसके मुख में दूंगी अगर इसके कुछ तसल्ली आ जाएगी तो तसल्ली मिलेगी हमको भी। तो देखो सुनो सेठ जाता है और सेठ जाकर के पानी लाता है शैतानी को देता है शैतानी आंचलों को धो करके पर कृष्ण भगवान के मुख में दे देती है विष्णु भगवान के मुख में दे देती है और विष्णु भगवान माया रखता है कि शैतानी की आत्मा से अरे अपनी माँ की तरह लिपट के और गट 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 दूध पीने लग जाता है। तो देखो किस तरीका से शैतानी का घबराती है विष्णु भगवान माँ समझ के किस तरीका से दूध पीता है सजनो कैसे पीता है मेरे विशाल आरे कथे दो पत्थर को पाइदायो राजे I'm gonna go get me a drink.
सारी दुनिया बात करेगी फिर तेरी मैया उसे मुहरेगी सारी दुनिया बात करेगी फिर तेरी मैया भेम भरेगी अरे मत घबरा बे नार आदम संकट में सीनो में भेवा तू खून गिरे जा तेरो प्रिय मसीनो जबरन जोरी करी बलम तू भरो अकड़े लो यहाँ से आगे देख जगत सब खेलो तो खड़े लो शेटानी तो ये बात को कहती है लेकिन शेट के बिल्कुल पदस्य बात कृष्ण भगवान की माया में भरवा गो और कहता है कि शेटानी जो कुछ होगा सो देखा जाएगा तू जल्दी जल्दी चल अभी तेरी ससुराल मेरा गांव बहुत दूर है लेकिन शेटानी के पैर है जो ससुराल की तरफ नहीं पड़ते हैं वो लौटा के धीरे धीरे चलती है तो किस तरीका से बातचीत होती है सुनो कैसे होती है मेरे विशाल इधर को सेठ के माता पिता इंतजारी कर रहे थे कि हमारा बच्चा कल का ससुराल गया है नई दुल्हन लेने के लिए अभी तक नहीं आया इंतजारी हो रही है और इधर को सेठ रानी अपने पति देव से क्या कहती है सुनो क्या कहते हैं विशाल आहे रानी ले आगो सासरो सारा वाले सारा वाला वे डोला रे छोरा तू गोदी में ले ले मेठे बोला रे सासरा सरा मावे
डोला रहे छोया तू गोदी में ले ले मैं ठोला रहे। सेठ कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, तू भी गोदी में रख ले। कुछ देर के लिए सेठ है जो अपने बच्चे को गोदी में ले लेता, अपना मान लेता है वो तो। और अब दोनों है जो इधर को घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने में लेकिन सदमा 9-10 बज जाते हैं रात्रि के, 9-10 बजते हैं। इधर को सेठ के परिवार वाले इंतजारी करके सो जाते हैं, और इधर को सेठ की बहन को फिर निद्रा खुलती है और वो दरवाजे पर अपने भौजाई की इंतजारी में पहुंच जाती है। मां जाके देखती है तो भाई भी खड़ा है, भौजाई भी खड़ी है। तो सेठ की बहन बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि मेरे भाई भौजाई आ चुके हैं। तो अपने भैया से कहती है, भैया अंदर चलो, इसमें शर्माने की क्या बात है, ऐसा कार्य तो सारा संसार करता है। लेकिन विष्णु भगवान बच्चे के रूप में सेठानी की गोद में मन में विचार करता है, शर्माने की बात तो मैं अभी बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो सजनों को गोदी में से एकदम से रोना चालू कर देता है। जैसे ही बालक रोता है तब नंद एकदम से घबरा जाती है। क्या लीला होती है सजनों, क्या होती है विशाल। आर्य कछोरों गोदी में से और वो गोदी में बच्चा को देख करके वो भी घबरा जाती है। और आगे किस तरीका से बात बढ़ती है सजनों, कैसे बढ़ती है मेरे विशाल। आरे कन्हैया बेटा से बतलावे देवी तेज शरम तो आवे Oh,
मैया बेटा से बतलावे और देवी तो शर्म को आवे। अरे छोरा सजा लगाई जाए किसा बात मन भावे मैया की भैया की सौगन गंगा जी की खाऊ लिया पाए वो गुगला तेरे हाथ लगाऊ। अरे कैसे मानो अरे लटूरे याने नहीं जायो और बगर बातिया की छाती में दूध किसा उतर आयो और राम गवाही दे रहे और नहीं खावे कोई पेशर मत घबरावे नार बटे ने भेमाता का लेना। इस तरीका से सेठ को अपनी घरवाली को बार बार समझाता है कि चिंता करने की बात नहीं है, भेमाता के लिए किसी से नहीं मिट सकते। तो देखो आगे क्या लीला होती है कि सेठानी तो बिल्कुल घबरा जाती है और मैया अपने भ्रू बेटा को गाड़ी निकालती है। आलोसी पड़ोसी सुन लेते हैं क्योंकि बुरी बात की चर्चा जल्दी फैल जाती है और अच्छी बात की चर्चा धीरे धीरे बढ़ती है। तो देखो सुनो मैया और अपनी भ्रू शेर बेटा से क्या कहती है सुनो। क्या कहते हैं अपने बेटे के धक्का देती है। उसी टाइम पर आलोचना पड़ोसने आ जाते हैं और आलोचना पड़ोसन आकर के दौड़ दिखाने क्या कहती है सुनो। क्या कहते हैं भैया अरे आलोचन पाले मार पड़ायो खायो लिया कसम कुछ है
पहला गोद खिलायो या ठंडी ने नाम धराई करी अरे या बीज ठंडी ने इस तरीके से सजना अरे सारी नगरी भेड़ी हो जाती है सारी नगरी इस बात को बतलाती है तो देखो सजना जब ज्यादा बातचीत होती है तो वो शेतानी अपनी नाम से क्या कहते हैं सजना क्या कहते हैं भैया आदे दिल में नहीं जानो ना 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 दिलों में पायो कैसे आदे दिल में तो नहीं जानो ना 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 दिलों में पायो कैसे बात को कहती है लेकिन नाथ के विश्वास नहीं होता केमा को मतलब सारा संसार के विश्वास नहीं होता एकदम से नगरी में सन्नाटा सा छा जाता है लेकिन सेठ के पिताजी को अब तक पता नहीं है क्यों नहीं है सुन रहा अरे कुमारी कार का वक्त था सेठ गांव में नहीं था रामा में हार में सदगा अपनी कुमारी को सो रहा था तो देखो वो सुबह आता है और सुबह आने से पहले नगरी उसके घर सारी इकट्ठी हो जाती है और किस तरीका से कुछ तो हकीकत बात जानने के लिए पहुंच जाते हैं कुछ मनोरंजन के लिए पहुंच जाते हैं कैसे जाते हैं सदनो कैसे जाते हैं भैया आरधन पूरी मंत्री छोरी तंपूरी गुलबारी Thank you.
गया पंच से भेड़ा, आज ही सातु जात गया बनिया के घर पे मेड़ा, एक पंच न्यू कह रहे हो सुनो सभा के ध्यान, एक दो दफे तो घोड़ा घोड़ी बेल छूट जाए, गलती होगी तो बढ़वा दो बात को न्या की नहीं रह दो, अब मैं तो करो बात को हल्लाया मैं है छोरा की सल्ला, फिर छोरा को बात नहीं बोले तू तो यही बातन को डोले, अरे तू चू पीठ लगावे भी का भारत दीपक जलगा घी का, भारत को जन्म से काड़ो या ने बैठो मारो सारो, गलती होगी तो नहला तो मारो भरो भरम भेजा तो अभी रांड कला को लेगी मैं तू दुनिया दाना देगी, और गोली की गोली लगे भरे नया को घाव और देश निकालो दे पगड़ी को लगा रांड के पंचन का तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन सेठ का पिताजी फैसला कर देता है कि ऐसी गोली को मैं घर में नहीं रखना चाहता और नहीं मेरे बेटे को रखना चाहता, ये तीन प्राणी को देश निकालना का हुक्म है, तो देखो सुनना फैसला हो जाता है और फैसले को सुन करके शेतानी है जब अपने बच्चे को गोदी में उठा लेती है और बच्चे को गोदी में उठा करके किस तरीका से कहती है सुनाओ कैसे कहते मेरे भैया, और नगरी भेड़ी हो रही कैसे नगरी भेड़ी हो रही रजड़िया सातू जात, और भरी सभा के बीच में बा अबला जोड़े हाथ के अबला जोड़े हाथ कर्म गति तारे नायत रे, और ले गोदी में लाल नार ईश्वर से अर्ज करे कि पायो परायो लालिया मैंने उठायो कर दया, दुनिया बता रही बेगड़ी सासू बता रहे बेहया, तो सुनवा इस तरीका से वो शेतरानी हाथ जोड़ के वर्षवा के बीच में कहती है, और दूसरी बात ये भी कहती है कि सात बोल सही टोल जसे झेंडोल, अरे पिया क्यों छीजे और पानी में पगना दे तो एक रति नहीं हीरे, इतनी बातें को सुन करके सेठ का पिताजी कहता है कि क्यों करते बकवास, छोड़ मेलन के चारा दू और ले गोदी में संग से ले जा देश निकाला दू, सुनवा तीनों प्राणी को देश निकाला हो जाता है, तीनों प्राणी को देश निकाला हो जाता है, तो विष्णु भगवान मन में विचार करता है कि अब ये घर रहते तो न जाने कितना कष्ट भोगना पड़ता, लेकिन अब इनके पास में तो कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पैसा देला नहीं है और न जाने कहां जाके रहेंगे, इधर को सेठ और सेठानी भी अमान जंगल में पहुंच जाते हैं और जाकर के बच्चों को तो एक झाड़ी की घुरट में झुरमट में सुला देते हैं, और इधर उधर से घास फूस इकट्ठा करके सतमा एक झोपड़ी बना लेते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, विष्णु भगवान रात में विचार करता है कि कोई न कोई उपाय किया जाए, तो सतमा विश्वकर्मा को निमंत्रण दे देता है, भंडारी कुबेरों को बुला लेता है, रात आरोप में एक सुंदर भवन का निर्माण होता है, वो किस तरीका से होता है सतमा कैसे होता मेरे विषय, और Yeah.
शेतानी और देहर वन में बास करे करवन की रेखा। अरे बाबा ले पेशाब करे जब मले माल को चरुआ धोवे धनमाया को बरुआ आगे भंडारी कुबेर लगा दिए भीमाया के ढेर नाथ ने विश्वकर्मा बुलवाए और हीरा मोती जले कांगड़ा ऐसो भवन बनायो करे महल को नामर नगरी नाथ जमा दिए बामन सातु जात जीम बजावे पाचू पकवान मले दुनिया न्यू या कहीं जुलम करी भायली अरे खासे बनगा महल हवेली या कुकोर पड़ा को ताड़े और शेतरानी बदनाम करी जब ठोकर दे निकालो हर घर चर्चा चले जगत मतलावे गैलन में बड़ी शेतरानी मौज करे बैठी सजना लेकर सातु जात को निमंत्रण हो गया। पूरे पकवान खाने को मिले लेकिन पकवान तो मंगले कम खाती है बात ज्यादा करती है मन में विचार करती है कि कल पंचायत जोड़ के इसको कोर पर आकर ताड़ा था और लेकिन ये माया खान से आ गई। सजनों ये बात की चर्चा है जो धीरे 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 10-20 कोस के एरिए में पहुंच जाती है और इधर को शंकर भगवान सजनों आंख मिचौनी के खेल को लेकर के ढूंढता उसी नगरी में आ जाता है। तो देखो सजनों उसी नगरी में आता है शंकर भगवान सीबीआई बन के मन में विचार करता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको नगर से धक्का दे के निकाल दिया और उसने रातों रात सुंदर भवन का निर्माण कर दिया और सुंदर भवन का निर्माण करके सारी नदियों को जमा दिया हो वो विष्णु हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो शंकर भगवान इस तरीका से पूरी जांच करके और सजना बियाबान जंगल में पहुंच जाता है। बियाबान जंगल में जाकर के देखता है कि बहुत अच्छा भवन है और एक लल्ले में पलंग झूल रहा है पल्ले में ललन झूल रहा है और वो ललन को उठा करके और लेकर के धीरे धीरे चलने के लिए रवाना होता है तो शेतरानी को पता लग जाता है। शेतरानी आती है और वो सन्यासी का हाथ पकड़ लेती है और विवाद हो जाता है। किस तरीका से विवाद होता है सुनो कैसे होता है विचार और सुन दुनिया की बात बात पूछने लगे भेद सब पागो माने छेड़े जाए उठाए जब से
शैतानी आर फसाए दोनों अकड़े और एक हाथ को शैतानी दूजा को संकर होगी बदनाम जगत मैया छोरा के पीछे छोड़ दियो घर बार सासरो देखू ऊपर नीचे आयो तू खासे बाबा जी होवे तेर पर शादी मिलके होगी देगा देख छोड़ दियो धर्म में फेंक पकड़ ली दादी और दुनिया भेड़ी हो रही है उसे उठा के लाठी साधु संत में तो अंतर है भगवंत कहाँ से आयो और कोर परा का फक्कर से लिया कहीं धंधो आयो मन में हो गए झगड़ो आचे पड़े जी में रगड़ो फिर बालक ने रूप बनायो संघ चक्र गदा पदम विष्णु जी नजर में आयो ने शिव शंकर महादेव बना दिया वालो और कई पतन ने छुड़ा दियो वो शेतानी को शेतानी को कालो को छुड़ा दियो लेकिन कथा को रहस्य को निकलो कथा को रहस्य किस तरीका से निकलता है सजनो कैसे निकलता है भैया और दोनों करता मिले दुनिया मेरे हाथ दोनों करता मिलेगा विष्णु भगवान और शंकर भगवान ज्ञान तक भी रहस्य को लेकिन अब रहस्य का ही है और दोनों करता मिले दुनिया मेरे हाथ दुनिया जोड़ा हाथ बाई माया से दिए सामने सरसागढ़ में उसी माया से शैतानी की आत्मा को दूध पियो वो कर दो सरसागढ़ में जाए तो कह रहे हो फिर भी शंकर भगवान के तस्वीर में बहन रहे हो बापो डिसीजन और करके किसा हुए डिसीजन सुन रहे हो बता दो भैया और शिव शंकर ने धन्यवाद सीगाराम जी आपने बहुत ही अच्छी कथा प्रस्तुत की।